आज गंगा पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और अभी मैं 17 मई के बाद वाराणसी जब जाने वाला हूँ तो इस बोट में बैठकर जाने वाला हूँ और ये नए वाटर ट्रांसपोर्ट ये हमारे लिए नया साधन हो सकता है। अभी इलाहाबाद से वाराणसी हमने जलमार्ग बना लिया, इसीलिए प्रियंका गांधी बैठ के गई, अगर हम नहीं बनाते तो कैसे जाती। और हमने गंगा को शुद्ध बनाया इसीलिए पानी पी, नहीं तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री पिछले बार आए थे स्नान न करते हुए चले गए, इतना गंदा पानी था। आज करोड़ों लोग आए, गंगा अविरल और निर्मल भी हमने बनाई और वाराणसी से हल्दिया तक हमने जलमार्ग बनाया, 4 मल्टी मॉडल हब बनाए। अब वाराणसी से हल्दिया से बंगाल की खाड़ी में पानी, फिर ब्रह्मपुत्र का ड्रेजिंग किया, फिर बाराक का किया और मैंने बांग्लादेश में जाकर मुंगली और चिद्गा पोर्ट का भी ड्रेजिंग कर दिया 250 करोड़ खर्चा करके। और अब हम लोग दिल्ली की यमुना से जलमार्ग का 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने बना लिया है, उसका DPR तैयार है। मैं इतनी बातें बता रहा हूँ तो आप लोग सोचते होंगे आप मुझे कम जानते हो, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं जब मुंबई में मंत्री था तब से मैंने वो समुद्र में जो पुल देखते आप मुंबई में, वो मैंने ही बनाया था, वर्ली बागर 55 उड्डयन पुल बनाए थे। आगे आगे बना और मुंबई पुणे हाईवे बना, तो जो मैं कह रहा हूँ उसको 1% भी डिस्काउंट मत करिए। मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज मैं करके दिखाऊंगा, मेरा भाषण मीडिया वाले रिकॉर्ड कर लेने लगे, झूठ बात मैं कभी बोलता हूँ। और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है, वाटर ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी, नए हाईवे बन रहे हैं और मैं मार्केट से इतना पैसा खड़ा करता हूँ, अब मुझे टाइम नहीं है, 17 लाख करोड़ के मैं काम कर चुका हूँ। और जिस दिन मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाता हूँ, मैं एक बार कोचिंग शिपयार्ड के लिए हमारे डिपार्टमेंट में गया था, मुझे 1600 करोड़ चाहिए थे, 10 बजे मैंने बेल बजाई तो 10:36 पर मुझे 1,26,000 करोड़ मिले। तो मैं तो पब्लिक के द्वारा इतना पैसा मैंने इकट्ठा किया कि 17 लाख करोड़ रुपए के काम 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में केवल मेरे विभाग ने किए हैं। और इस काम में कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को काम लेने के लिए मेरे पास और मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं पड़ी, 100% करप्शन फ्री। और ये पंजाब में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर को पूछ लेना आप किसी को, हाँ एक बार जो काम खराब किया तो मैं बिल्कुल कड़क होगी, ये देश के एसेट है, किसी को आना नहीं पड़ा, 100% करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड। और इस देश को बदलने का काम हमने किया है, पर इसका श्रेय हमें नहीं है, ना मोदी जी को है ना मुझे है, इसका श्रेय सही में मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप किरण जी को सुनकर नहीं देते और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मैं मंत्री कहाँ से बनता, और अगर मैं मंत्री नहीं बनता तो काम कहाँ से करता। तो ये आपके कारण हुआ है और इसलिए 5 साल में किरण जी को चुनकर आपने दिया, ये तो केवल हिंदुस्तान का ट्रेलर था, और तो सही फिल्म शुरू होना बाकी है।